देखो अभी हम समझने वाले हैं कि हमारे जो जज्बात हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स बोलते हैं ना जिनको, तो उसको अंग्रेजी जबान में कैसे बोलते हैं हम लोग, तो बोलते हैं ना हमारी जबान उर्दू में कैसे बोलते हैं हम लोग, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं नाराज हूँ, है ना, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे नींद आ रही है ना, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो अब हम सीखेंगे कि अंग्रेजी जबान में कैसे बोलते हैं। तुमको तो पता है ना, देखो अभी हमारे पास फोटोज हैं, मुझे बताओ जरा इसमें देखिए क्या लग रहा है आपको, क्या है ये, एक लड़की है ना? तो ये उदास, यानी क्या क्या बोलते हैं इंग्लिश में उदास को, सैड, उदास सैड, भी सैड, साइड सैड, साइड ओके, SAD, सैड, सैड ये सैड है। फिर देन ये वाला कौन सा है, स्लीपी इसको नींद आ रही स्लीपी है ना, स्लीपी, ओके। और ये नहीं डरी भी नहीं है, ये हैरान हैरान है ना? तो हैरान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग, सरप्राइज। सब ये वाला डरा हुआ डरी हुआ डरी हुई है, राइट? डरी तो इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी जबान में, स्केयर्ड स्केयर है, स्केयर्ड यानी स्केयर डरा हुआ होना। डरा हुआ ये एंग्री एंग्री, गुस्सा गुस्सा। ये हैप्पी हैप्पी यानी खुश। ये क्राई क्राई यानी रोना। रोना और ये वाला, ये भी हैप्पी है, ओके। हैप्पी तो ये हो गए आपके इस तरीके से। अब इसको अंग्रेजी जबान में बोलेंगे कैसे, मतलब जुमले में कैसे बोलना चाहिए? तो अब ऐसे बोलते हैं ना हम लोग उर्दू में, मैं खुश हूँ, हाँ तो मैं यानी आई, ओके। और हु प्रेजेंट टेंस है, तो मैं आई एम हैप्पी हैप्पी यानी मैं। मैं खुश हूँ अब अगर हमको सैड के लिए बोलना हो तो क्या बोलेंगे, हैप्पी सैड मतलब कि नाराजगी के लिए बोलना हो तो क्या बोलेंगे, उदास के लिए बोलना तो क्या बोलेंगे, आई एम, आई एम सैड आई एम सैड, सैड राइट, ओके। अब देखो जैसे कि हम लोगों ने बोला आई एम सैड, आई एम हैप्पी। अब जैसे कि किसी को शर्म आती है ना, ओके, तो शर्म को क्या बोलते हैं, शी, शी ओके। अब जो शी है लफ्ज क्या है, शर्माना, शर्माना ओके। तो उसको कैसे बोला जाता है, आई एम फीलिंग, शी ओके। मतलब अगर हम लोग महसूस कर रहे थे, हम कह रहे आई एम फीलिंग शी, और नॉर्मल क्या बोलते हैं, आई फील, शी ओके, मुझे शर्म आती है, ओके। इसी के साथ में होता है स्लीपी, ओके। अब क्या स्लीपी, स्लीपी यानी नींद आना, ओके। तो अब इसको कैसे बोलेंगे हम लोग अंग्रेजी जबान में, आई एम स्लीपी आई एम स्लीपी नहीं, आई फील स्लीपी, आई फील स्लीपी मुझे नींद आ रही है, ओके। और आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। इसी तरह हम लोग हर उसको बोल सकते हैं। अगर हम लोग किसी ने हमको सरप्राइज दिया तो हम लोग क्या बोलते हैं, आई एम आई एम हैप्पी सरप्राइज दिया, हम तो खुश होते ही सरप्राइज है, हाँ मगर आई एम सरप्राइज मतलब भाई मैं हैरान रह गया, हाँ है ना, ऐसे कहते हैं हम लोग। हाँ तो इस तरीके से बोलते हैं हम लोग। अगर इसके बाद में अगर हम देखें दूसरे हमारे पास में कौन कौन से और है, बस बचा था अपने अलावा वीडियो देख लो। हाँ ओके, अगर हमको गुस्सा आता तो फिर हम लोग क्या कहते हैं, एंग्री एंग्री, ओके, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एंग्री। और जुमले में कैसे बोलेंगे उसको हम लोग, आई फील एंग्री यहाँ पे फील नहीं आएगा, एंग्री ऑलरेडी वर्ब है यानी गुस्सा आना, गुस्सा आई ओके। आई एम एंग्री, एम एंग्री मैं गुस्सा हूँ, ओके। फील कहाँ पर आता है, जैसे कि शी हुआ, ये लफ्ज में आता है, स्लीपी में आता है, ओके। ऐसे लफ्जों में हम लोग फील को इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे महसूस किया जाती है चीजें, हाँ और गुस्सा डायरेक्टली आता है हमें, ओके। गुस्सा महसूस नहीं करते हम लोग, आई एम एंग्री, आई एम हैप्पी, ओके, आई एम सैड, आई एम सरप्राइज्ड, ओके। तो ऐसा होता है, तो हम लोग इस तरीके से जुमलों का इस्तेमाल करते हैं।